ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के जापानी पार्क में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। योगी आदित्यनाथ ने आर्य समाज की विचारधारा की सराहना की और समाज उत्थान में उसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। और उत्तरदायित्व तो हमारा यही कि हमारा राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म वही जो हमें एहसास करा सके एक भारत माता के सुयोग्य पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व के प्रति, एक पुत्र का माँ के प्रति, एक पुत्र का अपनी मातृभूमि के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करने का एहसास आर्य समाज जैसे संगठन हम सबको करा रहे हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक लोगों की भारी संख्या बता रही है कि आज के समय में आर्य समाज के विचारों से लोग काफी प्रभावित हैं। आर्य महासम्मेलन में देश विदेश से लोग भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और भारत के प्राचीन वेदों की शक्ति का दर्शन कर रहे हैं। इस 11वें आर्य महासम्मेलन में तीसरे दिन आर्य समाज की नीतियों और कार्य प्रणालियों पर भी प्रकाश डाला गया। दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की आर्य महासम्मेलन में योगदान कर रहे कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जिन्होंने आर्य महासम्मेलन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी। इस आर्य महासम्मेलन का उद्देश्य महर्षि दयानंद द्वारा जो बताए गए संस्कार है उनको विश्व में फैलाना है। विश्व शांति के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए हम किस प्रकार जुड़ के वेदों से जुड़े रहें और अपने भारतीय वैदिक संस्कारों को पूरे संपूर्ण विश्व में फैला सकें, इसके लिए ये उद्देश्य ये है हमारे आर्य महासम्मेलन का। हमने 36 साल की सर्विस में देखा है कि जो स्वामी दयानंद ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांति लाई और अंधविश्वास को दूर किया वो जरा सा भी पढ़ाया नहीं जा रहा, पूरी तरह भुला दिया गया। उन्हीं के कारण देशभक्त पैदा हुआ और ये देश आज़ाद हुआ। जब तक उनकी शिक्षा के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा इस शिक्षा का कोई फायदा नहीं होना। महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर समाज को अंधविश्वास और ढोंग से बचाने के लिए जो प्रयास किए वो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं और इस महासम्मेलन का उद्देश्य भी यही है कि उनके विचार भारत की हर गली और हर कोने में पहुंचे और एक सशक्त भारतीय समाज का निर्माण करें। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने देश को राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए की थी। देश में जो बुराई थी, जो क्रोतियां थी, जो अंधविश्वास था, जातिवाद थी, जो भी शिक्षा क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ था, उस सबको देश के राष्ट्र को ही ध्यान में रखते हुए समाज की स्थापना की थी। ये कोई मत पंथ धर्म अलग नहीं है, ये जो हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति है उस संस्कृति को ही आगे बढ़ाने के लिए इस आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी यहाँ पर हमको और बहुत आवास की व्यवस्था के लिए हम आए कि हमको ठहरना कहाँ है, हमको तुरंत ही आवास की व्यवस्था दी गई। हम शिवम हाल में यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। नेपाल छोटा देश है, वहाँ इतना व्यवस्था नहीं हो पाता है और इतने सारे पुस्तक वाले भी नहीं जाते हैं, विद्वान भी नहीं होते हैं, इतने सारे सन्यासी भी वहाँ नहीं होते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं नेपाल में। और यहाँ आने के बाद जैसा लगता है कि हम आर्य समाज के कुंभ में आ गए हैं। जिस प्रकार से लोग इस आर्य महासम्मेलन में दूर दूर से आ रहे हैं, साफ है कि निश्चित ही लोगों में महर्षि दयानंद के विचारों का प्रभाव आज भी बरकरार है और आशा है कि लोग एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आर्य महासम्मेलन से प्रेरणा जरूर लेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ शोभित शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर